लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका कौन सा अक्षर आता है? ए। तो देखो, मैंने रेड लाइन से ब्लू लाइन तक दो लाइन खींची और इसका पेट जोड़ गया, ये हो गया ए, कैपिटल ए। आप लोगों को मैंने बार बार बताया है कि हम अधिकतर एक लाइन में पांच अक्षर लिखते हैं जब ए बी सी डी लिखे तो अगला लेटर क्या है? बी। ध्यान से देखोगे, रेड से ब्लू और उसके बाद दो अर्धगोलाकार यानी चश्मे की तरह, ये बन गया बी। अब बी के बाद क्या आएगा? रेड लाइन से ब्लू लाइन तक सी, कान के जैसा। फिर क्या आएगा? एक डंडा और एक पेट, ये बन गया आपका डी। अब बारी है ई की। ई के लिए हम क्या करेंगे? फिर रेड लाइन से ब्लू लाइन तक एक लकीर, एक रेखा और इसके तीन पैर, एक दो तीन, ये हो गया ई। तो अभी तक हमने क्या लिखा? ए बी सी डी ई। अब आते हैं अगले अक्षर पे या लेटर पे, एफ। फिर वही रेड से ब्लू तक हमने लाइन टाना और ई में हमने तीन पैर बनाए थे, अब हम बनाएंगे सिर्फ दो, ये बन गया एफ। एफ फॉर फिश। एफ के बाद अब जी लिखना है। जी बिल्कुल शुरुआत सी के तरह ही करोगे, ये हमने सी लिखा। अब इसके पैर को जरा सा आगे बढ़ा के अंदर एक ढुसुम, ये बन गया जी। जी के बाद क्या है? एच। एच के लिए हमने दो दीवाल खींचे और दोनों दीवाल को जोड़ दिया। फिर देखो, रेड लाइन से ब्लू लाइन तक ही हम जा रहे हैं। अब आएगा अक्षर आई। वन लिखा हमने, ऊपर रेड लाइन में एक लकीर और नीचे ब्लू लाइन में, ये बन गया आई। आफ्टर आई जे। ऊपर एक छत बनाएंगे और डंडा देकर इसका पैर घुमा देंगे, ये क्या बन गया? जे। तो अभी तक कौन से लेटर्स हो गए? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब आ जाओ आगे, एक लाइन खींचकर हमने दो पंख बना दिए, ये हो गया के। इसके बाद रेड से नीचे एक लाइन और इसके पैर आगे बढ़ा दिए, ये बन गया एल, के एल। अब बारी है एम की। एम के लिए पहले ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये दो पहाड़ है तो ये हो गया एम। और अगर हम एक ही पहाड़ बनाएंगे तो दो लाइन खींचकर बीच में हम बस जोड़ देते हैं ऐसे तिरछा, तो ये हो गया एन। इसके बाद है ओ। आप सिर्फ ध्यान देना कि लाइन कैसे मैम छू रही है। अब पी के लिए फिर देखो, रेड लाइन से ब्लू लाइन और एक ब्लू लाइन तक हमने उसके कान को मोड़ दिया, पी। उसके बाद ओ की तरह लिखकर एक पूछ लगा दिया तो क्यू। फिर लाइन खींचकर पी हमने लिखा और इसकी पूछ बना दी तो बन गया आर। आर के बाद आधा सी लिखकर फिर सी को घुमा दो, उसे कहते हैं एस। एस के बाद ऊपर लाइन और नीचे बिचू बिच टी। तो ये हो गया हमारा पी क्यू आर एस टी। अब आ जाएगा यू। यू बहुत आसान है, नीचे आओ घुमाकर ऊपर जाओ, ये गोल हो गया तो यू। और अगर ऐसे तिरछी रेखा की तरह नीचे आएंगे और ऊपर जाएंगे तो ये बन गया वी। और जब यू को दो बार लगा देते हैं ना तो वो हो जाता है डबल यू या डब्लू। तो हम डब्लू को लेकिन लिखते हैं वी की तरह बिल्कुल कोने में, ये डबल यू है बोल के, इसीलिए इसका नाम पड़ा डब्लू। डब्लू के बाद फिर ऊपर के तीन लाइन को छूकर हमने बनाया काट कूट के एक्स, अगर आधा और फिर पूरा बनाया तो बन गया वाई। और हम आते हैं अंतिम लेटर पे, वो है ऊपर लाइन खींचा फिर तिरछी रेखा फिर बराबर जेड। तो ये हो गए हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स। कैपिटल यानी बड़े, इसे हम कहते हैं कैपिटल यानी बड़े अक्षर, जो कितने हैं? 26 हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी
यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे ही सुंदर अक्षर पिरोकर लिखोगे। इसके बाद वाले वीडियो में आपको मैं छोटे अक्षर कैसे लिखते हैं वो बताऊंगी।